हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं थ्री फेस का ये स्टार्टर, जिसमें हम ऑटो स्विच की वायरिंग कर रहे हैं। तो इसमें किस तरह से हमें वायरिंग करनी है उसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले हमने तो ये पहले ग्रिप निकाल लिया, जो कि ये थ्री फेस का स्टार्टर है, तो इसमें न्यूट्रल वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम तीनों के जो कॉन्टैक्टर हैं उसको हम निकालेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, ये स्टार्टर पैनल है। तो जब हम ऑटो स्विच की वायरिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहले ये वाला जो जम्पर है लाल वाला, इसे हमें सबसे पहले बाहर निकाल देना है। चलिए ट्राई करते हैं। इसे जब हम स्क्रू को लूज़ करके बाहर निकालेंगे, उसके बाद की वायरिंग जो है वो ऑटो स्विच की वायरिंग होगी। ये देखिए, इसे हमने बाहर निकाल लिया है। बिजली का काम है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इन तीनों ग्रिप्स को निकाल लें, एमसीबी के जो स्विच है उसको गिरा लें। और ये देखिए, हमने अपना स्टार्टर का ये कॉन्टैक्टर किट जो है जम्पर लगा हुआ है उसे हमने निकाल दिया है। ऑटो स्विच की वायरिंग जब होती है तो इसे हमें निकालना होता है। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या क्या वायरें हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये R1, R2 और R3 लिखा हुआ है, जो कि सप्लाई लाइन है। सप्लाई लाइन का जो दोस्तों आपको जोड़ना है ऊपर, ये देखिए जो सूखा स्टार्टर है ये, तो इसमें आपको यहाँ पे एक और ये दो और ये तीन, ये तीनों में आपको ये तीनों तार जोड़ने हैं शुरू के जो सप्लाई लाइन है R1, R2, R3 वाले। और उसके बाद बारी आती है दोस्तों यहाँ पर जो और लिखा हुआ है नो वोल्ट कॉइल, यानी कि एन और वी जो पार्ट है इन सीरीज विथ नो वोल्ट कॉइल, उसके बारे में हम आगे देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। जो कि हमने जम्पर निकाल लिया है, तो ये जो दोस्तों ये जो चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये रहा P1, P2, ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है और ये P4 है। यहाँ पर ये P4 वाला पॉइंट है, तो इसमें हमें P1 वाले पॉइंट को छोड़ देना है। P1 वाले पॉइंट पे हमारी कोई कनेक्शन नहीं होगी और ये P2 वाले पॉइंट पे हम करेंगे N वाले कनेक्शन को। आइए करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं N वाले, सबसे पहले हमने यहाँ पे किया जो थ्री फेस हैं R1, R2, R3 सप्लाई को हमने ऊपर के इन तीनों पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे R1, R2, R3 यानी कि रेड, ग्रीन, ये रेड, येलो और ब्लू, इन तीनों तार को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब उसके बाद जो बचते हैं दोस्तों वो है 9 वोल्ट के जो तार हैं, ये N और V वाले पार्ट और S1 S2 वाले पार्ट। तो N वाला जो तार है उसको हमें जोड़ना है दोस्तों यहाँ पे P2 पे हमने जोड़ दिया है। ये देखिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, ये P2 वाला पॉइंट है, इस पर हमने N वाले तार को जोड़ दिया। और उसके बाद आता है दोस्तों बचा जो है V और S1 और S2। तो V और S1 को हमें एक साथ जोड़कर P3 वाले पॉइंट पे जोड़ना है, यानी कि यहाँ पर। ये देखिए, उसे भी जोड़ लेते हैं दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो V और S1 है उसको हमने दोनों को एक साथ ज्वाइन करके P3 में ज्वाइन कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि कौन सा P1 है, कौन सा P2 है, तो यहाँ पे हमने P3 पे इन दोनों तार को जोड़ा है। और लास्ट में जो बचा दोस्तों वो है S2, यानी कि ये वाला S2 वाला लाइन, तो उसको हमें यहाँ पे P4 में जोड़ना है। उसके बाद हमारा कनेक्शन पूरा हुआ। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे ग्रिप चढ़ाकर कि हमारी कहीं लाइन फॉल्टी तो नहीं है। तो अगर फॉल्टी लाइन आती है तो उसमें आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फिर से आप लोगों को दोस्तों शुरू से आखिरी तक एक बार कनेक्शन मैं बता देता हूँ। ये जो R1 और R2 और R3 है, ये सप्लाई लाइन है, तो ये यहाँ पे दोस्तों ये जाएगा तीनों ऊपर, यहाँ पे ये R1, R2 और R3 इन तीनों में जाएगा। ये दोस्तों किसी भी स्टार्टर में यही है, इन तीनों पॉइंट्स में हमारी सप्लाई लाइन होती है। और उसके बाद जब हम यहाँ देखें तो दोस्तों ये कॉन्टैक्ट वाली जो कट किट है, इतनी नीचे वाली भाग, तो इसमें ये 9 वोल्ट वाली कॉइल होती है P1। तो P1 और P2 और ये P3 और P4, इन तीनों में चारों में हमें देखकर कनेक्शन यहाँ पे ये करना है कि ये P2 वाला भाग है। तो P2 में आपका जो पहला तार है
9 वोल्ट का यानी कि एन वाला, वो वहाँ पे P2 में फिट होगा। इस तरह से टाइट कर दें आप। और उसके बाद P3 में देखें तो दोस्तों P3 में हमें दो तार जोड़नी होती हैं, वो होती है उसके बाद वाली यानी कि V और S1 वाली। ये जो दोनों तार हैं उसको हमें दोनों को ज्वाइंट करके यहाँ पर लगाना है P3 में। और जो लास्ट वाली S2 वाली जो तार है उसको हमें डालना है दोस्तों यहाँ पे P4 पे। उसके बाद हमारा कनेक्शन शुरू हुआ। अब हम इन तीनों ग्रिप्स को लगाते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कनेक्शन हमारा सही हुआ या नहीं हुआ है। MCB को चढ़ा कर देखते हैं। ये देखिए हमारा डीले का लाइट चालू हो गया है और हेल्दी कनेक्शन भी शुरू हो गया है दोस्तों। अगर ये हेल्दी के जगह ये ऊपर वाला फॉल्टी लाइट जलता है तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस ये ऊपर के जो दो तार आपने लगाए थे R1, R2 और R3 में, तो किसी भी R1 और R2 को आपको अदली बदली कर देना है, यानी कि R1 को R2 में और R2 को R1 में आपको तार को लगा देना है जो कि ऑटो स्विच से हमने लगाया है। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये हमारा कनेक्शन शुरू हुआ और 1 मिनट डिले का लाइट जलने के बाद हमारा हेल्दी लाइन और ऑन का कनेक्शन शुरू हो गया है। तो अब हम ऑटो से स्टार्ट करके देखते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये देखिए ये बिल्कुल सही से स्टार्ट हो रहा है। और उसके बाद जब हम बंद करते हैं तो इसको हमें फिर से वापस मिडिल वाले पोजीशन पे लाना है। उसके बाद हम रेड वाले बटन को जब दबाएंगे तब हमारा मोटर भी बंद हो जाएगा। ये देखिए बंद हो गया। और बस इतना ही है दोस्तों इस वीडियो में। ये देखिए ऑटो स्विच से हमने ये स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट भी हो गया। और उसके बाद बंद करने के टाइम पे हम इसे बटन को बंद करना है और उसके बाद हम रेड स्विच को दबा देंगे तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा। इस तरह से हमारा कनेक्शन सही हुआ। और ऑटो स्विच के फ़ायदे ये भी है दोस्तों कि जब आप लाइट गोल होती है तो मोटर बंद हो जाता है, तो उसे आप वापस लाइन आने पर ये ऑटोमेटिक स्टार्ट भी हो जाती है। और एक तो ये है कि हमारे मोटर को ये सबमर्सिबल पंप को हो चाहे बोरवेल के अंदर के पंप के हो, ये फॉल्टी लाइन से बचाती है। फॉल्टी लाइन से मोटर चलने के चांसेस रहते हैं, तो उसके वजह से ये ऑटो स्विच को लगाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।